प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुलिस के द्वारा की गई अवैध कटान को लेकर कार्रवाई के बाद गल शहीद पुलिस ने लगभग 40 लोगों को हिरासत में लिया। पकड़े गए लोगों के परिवारजनों ने एक होकर गल शहीद थाने के सामने प्रदर्शन किया और सभी को छोड़े जाने की मांग की। जी हां, महिलाओं ने सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करने के मामले में की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो उच्च अधिकारी भी फोर्स के साथ पहुंच गए और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। घंटों की मशक्कत के बाद महिलाओं को सड़क से हटाने में पुलिस कामयाब रही। दरअसल मामला थाना गल शहीद क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस के द्वारा सुबह के वक्त अवैध कटान के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने लगभग 40 लोगों को हिरासत में लिया, तो वहीं पुलिस को पशुओं का मांस भी बरामद हुआ था। पुलिस के द्वारा पकड़े गए लोगों के परिजनों ने विरोध जताते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया और विरोध दर्ज करवाया। विरोध जताते हुए कहा कि अवैध कटान के आरोप में जितने भी लोगों को पकड़ा गया है उन सभी को छोड़ा जाए, नहीं तो सभी महिलाएं अपने बच्चों को साथ लेकर सड़क पर बैठ जाएंगी और जब तक उनके घर वाले थाने से छोड़े नहीं जाएंगे तब तक उनका यह प्रदर्शन जारी रहेगा। महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि जल्द ही उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उन्हें नहीं छोड़ रही है। आ गई समझ में, 14 साल का भी लवासा और सबके 14-14, 15-15 साल की ऑटो ये नहीं चलने दे रहा है, फूट ये नहीं लगाने दे रहा है, कुछ ये नहीं करने दे रहा है। आ गई समझ में, अब गोश के काम में लगे तो गोश के काम में से ये पकड़ के ले गए। अब ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है हमारे बच्चे छोड़ दें। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ये कह रही है हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं, तो इनकी लिखा पढ़ी काय की है? भाई एक बात बताइए, लिखा पढ़ी इनकी काय की है? ये चोर नहीं, बदमाश नहीं, डकैत नहीं। कितने परिवार के बच्चे हैं जी? मेरे एक भाई है, एक बेटा, एक नवासा। नवासा मेरा फ्यूज का, उसका काम करता है एसी का। रात हुआ आ गया था काम पे से, दो लड़के हमारे इनके सबके किसी के दो हैं, किसी के तीन हैं, किसी के चार हैं। जाम लगाया गया था, पुलिस ने लाठी चार्ज करके वो जाम खुलवा दिया और वो ये कह रही पुलिस हम आपके आदमियों को इतना मारेंगे, खाल उतार देंगे और 3-3 साल के लिए जेल भेजेंगे और तुम्हें रोटी पकाने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं हार्ट की मरीज हूँ। मैं क्या हुआ था सर, ये जाम क्या लगा था? आज जो 49 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अवैध कटान के संबंध में, उनके परिवार की महिलाएं तो ये लोग आके बैठ गए थे यहाँ पे जबरदस्ती रोड पे जाम लगा रही थी। उन्हें समझाया बुझाया गया है, उन लोगों ने जाम समाप्त कर दिया। अगर कानून के हिसाब से कानून को अपना काम करने दो, कानून न्याय कर। मैं गुरु नानक राइफल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।